नमस्कार फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज आपके साथ एक इजी और यूनिक रेसिपी लेके आया हूँ। इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाला हूँ और इसमें एक स्पेशल मसाले का टिप भी दूंगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने काउलीफ्लावर लिया है, इसका टोटल वेट 400 ग्राम है, अच्छे से धो के काटा है। साथ में दो मीडियम साइज के आलू, इसको भी अच्छे से धो के सेम साइज में काट लिया है। दो मीडियम साइज के हाइब्रिड टमाटर को भी बारीक काटा है और इसके साथ लिया एक मीडियम साइज का प्याज, इसको हमने स्लाइस में काटा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल लिया है, ये रिफाइंड तेल है। और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब हम इसमें डाल रहे हैं करी लीव, ये भी ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो स्किप करिए, डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने स्लाइस में काट के रखा है। प्याज को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप जब तक फ्राई करिए जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये सब करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये आराम से फ्राई हो जाएगा। देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं प्याज को हमने इतना फ्राई करना है। अब इस समय आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो क्यों आगे बताऊँगा। साथ में मैंने सबसे पहले आलू डाल दिए, आलू के साथ थोड़े से बीन लिए मैंने, बीन्स, फ्रेंच बीन्स। ये दोनों चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ऐसे ही पकाएंगे जिससे कि हल्का पकेगा भी और अच्छे से फ्राई भी होगा। अच्छे से फ्राई हुआ देखिए 4 मिनट, और 4 मिनट के बाद इसमें डालेंगे हम गोभी को। गोभी को भी हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया कि लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि मैं इसको ग्रेवी में नहीं बना रहा हूँ। अगर आप ग्रेवी में बनाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और आप चाहे तो ड्राई में भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम मसाले ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही स्पाइसी करने के लिए मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काफ़ी तीखा है। साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ आप चाहे तो थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल सकते हैं। अब मेन चीज़ है दोस्तों ये सभी मसालों को भूनना, क्योंकि सब्जी के ऊपर से हमने मसाले डाले तो इनको भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको हल्दी के कच्चे टेस्ट का फ्लेवर आएगा सब्जी में। आप 3 से 4 मिनट तक या जब तक इसमें से हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता जब तक आपने इसको ऐसे ही फ्राई करना है, वो करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये सब भूनते हुए हमें लगभग 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके सेंटर में थोड़ी जगह बना करके सेंटर में टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद आपने इसको चलाना नहीं है, ऐसे ही बीच में डाल के इसके ऊपर से आप नमक डाल दीजिए, जितना भी आप डालना चाहिए टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें 1 चम्मच डाल रहा हूँ और इसको बिना मिक्स करे हम इसको ऐसे ही ढक के स्टीम में पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा साइड से पानी डाल सकते हैं, उससे इसमें स्टीम बनेगा और उसी में ये सब्ज़ी पकेगी। वैसे ज़रूरत नहीं है, 2 टमाटर को हम स्टीम में पकाएंगे लगभग 10 मिनट तक। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। आप बीच में एक बार चेक कर लीजिए इसमें मॉइस्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड 10 मिनट के बाद टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, देखिए इसी में अच्छा खासा मॉइस्चर है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ऐड करते हैं इसमें स्पेशल मसाला। ये स्पेशल मसाला है फ्रेंड्स मैगी का मैजिक मसाला। ये सभी प्रकार के आप सब्जियों में डाल सकते हैं, वेज नॉन वेज में, बहुत ही टेस्टी होता है ये। ये नॉन वेज नहीं होता है, वेज होता है, आप नॉन वेज में भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत यूनिक और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो अब हम इसको फिर से ढक देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में, जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और बचा हुआ जो सब्ज़ी हल्का कच्चा है वो भी पक जाएगा। तो टोटल हमने इस सब्ज़ी को बनाने में 20 मिनट लगे हैं, देखिए इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वो मैं भी आगे करूँगा। और इस तरह से मसालों के साथ मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छे से। आलू पक चुके हैं देखिए, एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स इसमें मैं गार्निश कर रहा हूँ हरे धनिया से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर ज़रूर करें और साथ ही कॉमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।